Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So, we are back with another session of the Hindu editorial show where we discuss the comprehension. ंग विद्राम as well as तो होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम हम शुरू करेंगे जितने लोग नए लोग हैं फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दू सेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सेशन जरूर देखे सो दैट यू गेट टू नो द बेनिफिट ऑफ द सेशन सेशन पूरा देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि सेशन कितना बेनिफिशियल है आपके लिए और जितने लोग फर्स्ट टाइमर है वो प्लीज एफ लिख के चैट सेक्शन में मेरे को बता दे कि वो पहली बार आए हैं एफ फॉर फ्रेशर एफ फॉर फर्स्ट टाइमर और जितने लोग रेगुलर आते हैं वो आर लिख दे तो इससे आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी ओके फाइन काजल यादव से सर आई एम न्यू स्टूडेंट वेरी वार्म वेलकम काजल एंड अदर्स एज वेल तो शुरू करेंगे आज का ये सेशन हिंदू एडिटोरियल एनालिस ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट अब होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम सो पोस्टमार्टम शुरू करे तो लेकिन उससे पहले जरा बता दे यूट्यूब का ये शेड्यूल है शेड्यूल अपडेट और हो जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लासेस इस चैनल पर चलती है और कौन सी हमारे नए चैनल जो बैंकिंग चैनल है उस पर चलती है सभी लोगों ने कल जो है उसका इनोग्रल से था जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया जितने लोग आए थे लाइव तो उन लोगों को दिल से बिल्कुल थैंक यू और सभी लोग बाकी अपने दोस्तों को भी बता दें कि यूट्यूब पे जो टेक्स बुक का चैनल है उसका बैंकिंग का एक अलग चैनल बन चुका है सो so दैट आप लोगों की बैंकिंग की प्रिपरेशन अलग से हो पाए बाकी एसएससी रेलवे और जो बाकी एग्जाम्स है उसकी यहीं पर अभी होगी ठीक है तो बाकी अगर जैसे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि एस का अलग चैनल वो सब आपके उस वाले पे रिस्पॉन्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि बाकी भी चीज़ों का अलग चैनल बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे डेफिनेटली वी कैन टेक दैट स्टेप आगे बात करें तो डेली करंट अफेयर लेकर पुष्पक सर आता है सुबह सात बजे एंड देन मैं आता हूँ साढ़े बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लेके और बाकी दिन भर क्लासेस रहती हैं ठीक है सो केस ऑफ प्लुरलाइजेशन ऑफ एड्जेक्टिव ये आज जानने को आपको मिलेगा ध्यान रखना आज इस सेशन के साथ साढ़े नौ बजे फाइनेंशियल समाचार का सेशन है पुष्पक सर वाला लेकिन वो दूसरे चैनल पर रहेगा ठीक है तो ये एक बार जरा मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा होने वाला है वैसे आपको कल का सेशन अगर देखा तो आपको पता होगा कौन कौन सा से सेशन वहां होने करंट अफेयर यही होगा द हिंदू एडिटोरियल भी यही होगा लेकिन फल समाचार क्योंकि बैंकिंग के लिए ही ज्यादा होता है इसलिए वो बैंकिंग के पार्ट पे होगा ठीक है है ये दोनों ऐसे से जो बैंकिंग रेलवे सभी के काम आ जाएंगे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे चाहे द हिंदू एडिटोरियल जहां पर भी भी न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ रहा है तो डेफिनेटी दोनों के लिए होता है इसलिए अपन ने यही रखा है ठीक है फाइन So, आगे बात करें यस क्लास डेली होती है काजल आप पूरा सेशन देखें आपको पता चलेगा कितनी बेनिफिशियल सेशन है ठीक है सो केस ऑफ प्लुरलाइजेशन ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव कब प्लुरलाइज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए प्लुरलाइजेशन कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप नए हो तो आपको शायद ना पता हो लेकिन इसके थ्रू आपका आराम से एक से दो नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है एग्जाम में बाकी बात करें बिटवीन अमंग अमें, काफी लोगों को ये दिक्कत रहती है काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है तो उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे फिर एक तीखा सवाल कि कैन अ न्यूज पेपर ऑल्सो कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स इसका जवाब आपको मिलेगा कि एक न्यूज़पेपर में भी ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं हम उसके ऊपर पूरा रिलाई करें या नहीं करें और रिलाई करें तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें क्या रहेगा वो पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में देन वर्ब्स दैट टेक प्रिपोजिशन इनटू जो वर्ड अपने साथ या जो वर्ब्स अपने साथ इन टू प्रिपोजिशन लेते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है और उसके अलावा फिक्स्ड प्रिपोजिशन आज इन वेरियस एग्जाम्स आज के सेशन में जितने फिक्स प्रिपोजिशन आए ना मैं सच बता रहा हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कम से कम तीन मार्क्स का यहीं से कवर हो रहा है आज के सेशन से ठीक है तो दो से तीन मार्क्स का यहां से हो गया बाकी भी कम से कम चार से पांच मार्क्स का आज का कवरेज हो जाएगा सो so, क्या है क्या नहीं शुरू करेंगे आज जो फॉर इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल रहा है वो है कह रहे हैं कि अप होल्डिंग द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड सब क्लासिफिकेशन विदिन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइस फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ये जो बात हुई है भाई अभी इस चीज पे आया है अभी एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या उन्होंने एक तरह से पहले एक डिसीजन आ चुका था 2004 की बात है उसी के ऊपर आगे की बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, की वैल्यू को वहां पर अपोल्ड करते हुए सपोर्ट करते हुए फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा है कि सब सब क्लेरिफिकेशंस जो होते हैं या yes, सॉरी सब क्लासिफिकेशन जो होते हैं एससी और एसटी में वो रिजर्वेशन के लिए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है द रूलिंग कॉन्ट्रडिक्ट्स अ 2004 जजमेंट बाय अनादर एपेक्स कोर्ट बेंच ये जो है पहले 2004 में जो जजमेंट आया था एक कह सकते हैं जज ऑफ कह सकते हैं बेंच ऑफ जजेस के थ्रू उसमें जो बोला गया था उसके बिल्कुल विपरीत है उसमें जो बोला गया था उसके ये बिल्कुल अपोजिट इन्होंने चीज बोली है तो अब थोड़ी सी भाई कहीं कही ना कहीं फिर प्रॉब्लम तो आएंगी ही तो वही है द रूलिंग टू कॉन्ट्रेडिक्स जजमेंट बाई अनादर एपेक्स कोर्ट बेंच ऑन फिफ्थ नवंबर टू थाउजेंड फोर अब देखो हिस्ट्री की बात करें दो हजार चार में क्या हुआ था एक पांच जज जज के जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था कौन से केस में ईवी चिन्निया चिन्निया वर्सेज आंध्र प्रदेश ये केस था केस का नाम था उसमें उन्होंने क्या हैड ऑब दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स टू क्रिएट सब कैटेगरीज ऑफ एस एंड एस उस समय उन्होंने ये बोला था कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा संविधानिक नहीं रहेगा ये तो ऐसे केस में उन्होंने ये चीज बोली थी इसी को कंसिडर करते हुए कंसिडरिंग दैट टू थाउजेंड फोर्टीन वर्ल्ड इट वॉज ऑल्सो डिलीवर्ड फाइव जज बेंच उस समय भी फाइव जज बेंच ने ही डिलीवर किया था अभी भी फाइव ने ही किया है तो ऐसे में इसलिए कोर्ट ने अभी जो बोला है थर्सडे को ये बोला है कि हम इस चीज पर रिविजिट नहीं कर सके इस वाले केस में क्योंकि वो भी उतने ही स्ट्रेंथ की बेंच थी पांच जजेस के ही आ, स्ट्रेंथ की बेंच थी तो इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला है क्या कि ये मैटर आप सेवन जजेस के बेंच के सामने रखें जिसके ऊपर फिर अच्छे से वहां पे डिसीजन आ पाए ठीक है तो ये है मतलब वही है कि भाई और सब कैटेगरी होनी चाहिए मतलब सिंपल भाषा में बोलो जैसे ओबीसी में आप लोगों ने देखा होगा क्रीमी लेयर होता है नॉन क्रीमी लेयर होता है ना तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि एस सी एस टी में भी उस टाइप का होना चाहिए अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं आप अपने व्यूज दे सकते हैं बट कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव के तहत आप देंगे जिसका सेक्शन आज मैंने ऐड किया है ठीक है यहाँ चैट में प्लीज उसके ऊपर डिस्कशन ना करना इट वुड बी बेटर कि आप वहां पे कमेंट में जो भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे यू कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस योरसेल्फ ओके सो आज के एडिटोरियल वर्ड्स की बात करें सबसे पहले बार आया है बार सुनके कहीं और ना चले जाना बार यहां बैन लगाने के सेंस में आ रहा है ठीक है बार है लॉ के तहत आया है तो एन ऑफिशियल और लीगल प्रोहिबिशन बैन रोक लगती है किसी चीज पे उसको बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो लिखा है कौन सा वो लिखा है कॉजेंट कॉजेंट का मतलब होता है क्या क्लियर लॉजिकल कन्विंसिंग तो ऐसे में जो ठोस हो किसी मामले में तो ऐसे केस में दस एज Next word is verdict. Verdict का मतलब होता है किसी भी तरह का जजमेंट किसी भी तरह का डिसीजन निर्णय का मतलब होता है बिल्कुल किसी किसी चीज चीज पे पे प्रेशराइज करके, करके, पब्लिकली अगर कुछ बोला जाता है दैट इज टर्म एफॉर्मड देन वी हैव कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का मतलब होगा कैपेबिलिटी या एबिलिटी किसी चीज की क्षमता की बात हो रही है तो वो अपने आप में रहेगा यस yes, बिल्कुल तो अगर देखा जाए कैपेबिलिटी एबिलिटी क्षमता बिल्कुल उसके सेंस में आता है बाकी अगर बात करें डिप्राइविंग लिखा है डिप्राइविंग मतलब प्रिवेंटिंग और डिसिंग के सेंस में आएगा किसी को वंचित रखना वंचित करना होमोजीनियस की बात करें होमोजीनियस पता होगा दो चीजें आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस तो होमोजीनियस की बात हो रही है ऑफ द सेम काइंड अलग है सिमिलर के सेंस में नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी Then we have trickled down. Trickled down का मतलब होता है किसी पॉइंट तक पहुंचना reach. ठीक है तो वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज टिंकरिंग विथ टिंकरिंग विथ का मतलब होता है किसी चीज से छेड़छाड़ करना उसको कह सकते हो कि सुधारने के लिए या कह सकते हो उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए जैसे अभी कल की ही बात है कल काफी सारे एजुकेटर्स जो है यूट्यूब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं और एक सितंबर को एक मुहिम चालू की गई है एक सितंबर को आप सभी को ट्विटर पे आ, uh, पोस्ट करना हैश टैग हैश टैग का देखो काफी लोग यहाँ लिख भी रहे हैं वेरी गुड स्पीकअप फॉर एस एस सी रेलवे स्टूडेंट्स तो ये आ रहा है तो कल ऐसा हुआ है देखने को मिला था कल जब मैंने भी विजिट किया था मैंने देखा था कि मन की बात का जो वीडियो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उसमें तकरीबन एक सौ अठारह हजार मतलब वन लाख एटीन थाउजेंड डिसलाइक्स थे और आज सुबह उठ के देखा तो उसमें ट्वेंटी सेवन थाउजेंडिस डिसाइक थे और उसके अलावा कमेंट्स डिसेबल कर दिए गए थे इसको बिल्कुल मैं एग्जाम्पल से जोड़ सकता हूं दे हैव टिंकर्ड विद द डिसलाइक सेक्शन टिंकर्ड विद मतलब छेड़खानी की गई है ऐसे कैसे कि एक हजार या एक लाख सत्रह हजार से जो है नीचे आ जाए माना है यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से या यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये हो जाता है बट यहां नहीं हो सकता मैं मान नहीं सकता ठीक है थीके? हमने भी अपने सेशंस में देखा है अठारह डिसलाइस कभी कभी दिखने लगते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे पे वो तीन या चार पे रह जाते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट डिफरेंटिंग बट इतना बड़ा डिक्रीमेंट नंबर में नहीं आ सकता ये कुछ और छेड़खानी की गई है तो वही है उसके ऊपर भी अब बवाल हो रहा है काफी ज्यादा अब मतलब कह सकते हैं अब चीज़ें फैल रही हैं तो अब देखना है क्या है क्या नहीं देखो यार जितने लोग एस रेलवे के स्टूडेंट्स हैं आप जानते हो कितने दिनों से आप इस चीज का इंतजार कर रहे हो रेलवे का एग्जाम का फॉर्म आपने भरा था एस एस के आप फॉर्म भरते हो एग्जाम देने जाते हो पैसा वगैरह खर्च होता है और सब चीजें करके आप वापस आ जाते हो बट एक एक दो दो तीन तीन साल हो जाते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता ये मौका है इस चीज का बिल्कुल भाई जब सभी लोग हम लोग टीचर्स आप, आपको साथ कर, दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी उस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए ट्विटर डाउनलोड करें और एक सितंबर 11 बजे वहां पहुंच के अपनी तरफ से रीट्वीट पे रीट्वीट करें जितना आप कर सकते हैं ठीक है दिस विल हेल्प यू आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा सो so दैट उन चीज का रिजल्ट है थोड़ा प्रेशर बने भाई अगर हम ये देख सकते हैं कि सुशांत के केस में जब प्रेशर बनने पे वहां पे कार्रवाई हो सकती है तो भाई स्टूडेंट्स पावर बहुत बड़ी पावर होती है आई होप सो यू ऑल कैन डू दिस बिल्कुल करोगे जो लोग करोगे वो वहां पे लाइक ठोके बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे को बताएं कि यस सर हम भी वो करेंगे हम भी चाहते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट जल्द से जल्द आए या एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए जाए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे बची हुई है ठीक है हाँ तो वही चीजें मैं बोल रहा हूँ अब पैसे खाए हैं जो भी है आपके पैसे लगे हैं तो डेफिनेटली आपका कर्तव्य बनता है अगर टीचर्स आगे आ गया रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स पावर हम मानते हैं बहुत बड़ी पावर है उसके तहत कुछ भी हो सकता है ठीक है तो आई होप सो यू ऑल विल डेफिनेटली डू दैट ठीक है आगे बात करें वहां पर कैवियाट लिखा है कैवियाट का मतलब होता है वार्निंग कॉशियस रहना किसी चीज के प्रति चेतावनी देना दैट इज कैट ठीक है आगे बात करें वेरिड लिखा है वेरीड का मतलब वैसे तो वेराइटी के सेंस में आता है बट यहां पर चेंज करने ऑल्टर करने बदले जाने के सेंस में आता है नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कमिंग आफ्टर समथिंग कुछ फॉलो करने के सेंस में आएगा कल ही मैंने फॉलोइंग और फॉलोड बाय का डिफरेंस बताया था नेक्स्ट वर्ड इज ट्रक डाउन स्ट्राइक डाउन का यह कह सकते हो पास्ट फॉर्म है फ्रेजल वर्ब स्ट्राइक डाउन स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को इलीगल घोषित करना किसी चीज को नलीफाई कर देना नल घोषित कर देना दैट इज टर्म स्ट्राइक डाउन नेक्स्ट वर्ड इज आउट आउट का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना किसी कह सकते हो केयरफुल एफर्ट पेन स्टेकिंग मतलब होता है केयरफुल मेटिकुलस एफर्ट लगा के जब हम कुछ बनाते हैं तो ऐसे के इसमें वहां पे कार्व आउट इसको बोला जाता है अगला वर्ड है जूरिस प्रूडेंस जूरिस प्रूडेंस का मतलब होता है एक लीगल सिस्टम विधि शास्त्र तो ऐसे केस में वहां पे लीगल सिस्टम के लिए जूड स्टूडेंट्स वर्ड का यूज होता है नेक्स्ट वर्ड हेयर है अगर आ, बेटा मैं आपको एक और बात बताऊं अनिशा वोट ना दोगे बिल्कुल मैं सब ये सब चीजें मानता हूं बट आपको मैं एक बात बताऊं गवर्नमेंट आप कोई भी ले आओ दुनिया की कोई गवर्नमेंट ले ओ, आज, अब तो मेरे को पूरा विश्वास है ये सब लोगों को एक ही काम आता है आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले और दैट डजेंट मेक सेंस कि हम जो है उनको वोट नहीं देंगे हम उनको देने लगेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है चीजें हैं जो है अभी उस चीज में हमें अपना वहां पे दमखम दिखा के वो काम करना चाहिए दैट इज वॉट आई थिंक सो बाकी आप सरकार कितनी भी बदल लो कोई भी ले आओ मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी फर्क आने वाला है क्योंकि ये गवर्नमेंट भाई हम तो इतने सालों से देख ही रहे हैं हर तरह की गवर्नमेंट लेके आए लोग स्टार्टिंग में जो करते हैं उसके बाद जब वहीं टिक जाते हैं ना उसके बाद वो सब भूल जाते हैं रियलिटी वही है आप चाहे किसी को भी ले हो ठीक है तो वही है बात अगर करे तो और प्रॉब्लम ये भी है ना भाई देखो सोचने के तो नजर ही हो सकते हैं लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता ये बहुत बड़ा इशू है यार अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो गई उसके अलावा ये सब जो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं यार फिर तीन साल अगर मेरी एज ही निकल गई उसके बाद तो मैं कौन सा एग्जाम देने लायक रहूंगा अगर तीन साल बाद आप एग्जाम निकालोगे भी तो मैं क्या करूंगा उस एग्जाम का तो पॉइंट वो है ना सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज से सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज़ का पार्ट बने और इस चीज़ को आगे रख पाए हमें भी दिखाना चाहिए कि यार डेमोक्रेसी अगर है तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी जहाँ जो है पब्लिक की ही नहीं सुनी जाती और वो भी इस पावर स्टूडेंट पावर की नहीं सुनी जाती वो चीज़ हमें करनी है आपको करनी है मिल करेंगे तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट निकलेगा आगे बात आ रही है वेयरिंग टू वर्ड वियरिंग टू वर्ड जो है वो अपने आप में फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी डायरेक्शन में पलट के चले जाना ठीक है wearing towards किसी तरफ पलटना और फिर उसी दिशा में चले जाना दैट अगला वर्ड आ रहा है ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोलोंग क्रूएल और अनजस्ट ट्रीटमेंट एब्यूज जब किसी को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है जैसे कि इसमें ऑपरेशन बोला जाता है ठीक है ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ समवन एज इनसिग्निफिकेंट और लेस इम्पोर्टेंट तो किसी को आप अगर लेस उसमें ट्रीट करते हो तो उसको बोला जाता है ट्रीटमेंट ऑफ समवन एज इनसिग्निफिकेंट और लेस इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज मूट मूट का मतलब होता है कोई एक इश्यू जिसपे डिबेट की जा सकती है जैसे कि ये वाला अभी जो है अपन जिसपे कर रहे हैं वी कैन डेफिनेटली मूटेड अगर मूट की बात करें दिस इज अट क्वेश्चन तो ऐसे के मूट क्वेश्चन बोला जा सकता है नेक्स्ट वर्ड इनफैक्ट द लास्ट वर्ड इज बेटर ऑफ बेटर ऑफ का मतलब होता है एक डिजायरेबल एडवांटेज पोजिशन में स्पेशली फिनेंशियल टर्म्स में अगर बोल रहे हैं तो ऐसे के इसमें उसको बेटर ऑफ एक्सप्रेस की तरह यूज किया जाता है बेटा पीडीएफ मिल जाएगी डोंट वरी ठीक है पीडीएफ अभी नहीं मिलती जब क्लास खत्म होती है क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी और पीडीएफ का करोगे क्या जब तक समझ में कुछ ना आए पहले सीख लो समझ लो पीडीएफ होती है केवल और केवल इकट्ठा करके कहाँ रखते हो मुझे तो ये नहीं समझ में आता आप करोगे क्या उस पी का जब तक आपको समझ में नहीं आया पूरा सेशन देखो और आपको जो है इस तरह से बार बार जो लोगों को तंग करते हैं यार वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है ये स्पैम करना जरा बंद किया करो सब लोग बार बार वही चीज लिख देते हो सो इफ यू आर टॉक अबाउट दिस थिंग यस डेफिनेटली मूविंग अहेड अब क्या है वहां पे तो फॉर द वीकेस्ट के नाम से यह आज का आर्टिकल आया फॉर द वीकेस्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन अमंग एस तो जैसे कि मैंने कहा सुप्रीम सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही शेड्यूल कास्ट में और सब क्लासिफिकेशन की बात हुई है ऐसा एक डिसीजन आया है अब क्या है क्या नहीं तो रिविजिटिंग बार ऑन ऑन स्टेट गिविंग प्रेफरेंस टू द मोस्ट मार्जनलाइज अमंग एससीज इज़ वेलकम तो भाई ये जो बैन लगा था पहले कि स्टेट्स जो है प्रिफ्रेंस नहीं दे सकती इस तरह के एससीज मतलब मार्जिलाइज जो लोग होंगे मार्जलाइज कास्ट जो होंगे या मार्जनलाइज क्लास जो होगा अमंग एससीज तो उस बैन को रिविजिट करके उसके अगेंस्ट या उसके ऊपर फिर दूसरा कॉन्ट्रेक्टरी डिसीजन देना तो नो no डाउट ये अपने आप में वेलकम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन उसके और भी आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कुछ हो सकता है वो भी हमें समझना पड़ेगा तो इट इज वेलकम बट फिर भी आगे क्या है वो जानेंगे तो आज का जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग कर तो हाँ तो ऐसे में वहां पे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन कॉजेंट रीजंस For a, for a reconsideration of the verdict given by five judge bench in 2004 that state legislatures have no power to create sub classifications among the list of scheduled cast notified by the president कुलदीप दत्ता मेरा हैंडल आपको टेलीग्राम का मैं बता देता हूँ एट द इंग्लिश बाय आदित्य सर इस नाम से मेरा आपको हैंडल मिल जाएगा आप वहाँ पर मेरे को जो डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं ठीक है एट द इंग्लिश बाय आदित्य सर ठीक है इस तरह से आप मेरे को ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आप मिल जाएगा फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा आपकी जो भी डाउट्स हैं सो so, आगे बात करें नेक्स्ट क्या लिखा है कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट जेंट रीजन मतलब लॉजिकल रीजन ठीक है तो लॉजिकल रीजन कह रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के मामले में तो फॉरेशन ऑफ द फाइव जज बेंच इन टू थाउजेंड फोर दैट स्टेट लेजिस्लेचर लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट तो यही है कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल रीजन दिए हैं किस चीज़ के कि उन्होंने जो रिकन्सिडर किया है ये वाला डिसीजन जो लिया गया था 2004 में पांच पांच जज के बेंच के द्वारा जिसमें उन्होंने बताया था क्या उन्होंने बोला था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सब क्लासिफिकेशन अपने मन से बना ले शेड्यूल्ड कास्ट के जो कि पहले से प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है तो ऐसे केस इसमें इस, इस चीज के लिए उन्होंने वहां पर रीजन दिए वैलिड रीजन दिए कि हमने ऐसा क्यों किया है बाकी अगर देखें ग्रामर पार्ट से सुप्रीम कोर्ट एक फंक्शनिंग बॉडी है body, the, वहां लग जाता है, बिल्कुल सही है कोई नहीं, verdict, by, आप ऐसा पढ़ सकते हैं सर हिडन वर्ड दैट वॉज जज बेंच ध्यान से सुनना बेटा फाइव जज बेंच लिखा हुआ है यहाँ पे मन में सवाल आ रहा होगा कि फाइव जो है जज के लिए फाइव के बाद है तो जजेस क्यों नहीं लिखा फाइव जजेस बेंच ऐसा क्यों नहीं लिखा तो हमें समझना है फाइव जो लगा है वो अपने आप में क्या लिखा हुआ है फाइव लगा हुआ है वो ठीक है अ इसके आगे लगा है अ लगा है आगे बेंच आ रहा है एंड द जिसके लिए भी लगता है वो नाउन के लिए लगता है नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव तो ऐसे केस में ये जज जो है वो यहाँ एडजेक्टिव है और जज के पहले फाइव जो लगा है वो भी एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है हिफन लग गया तो दैट मीनस सिंगल वर्ड राइट और कभी भी ये ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव को हम एस ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते आई रिपीट एडजेक्टिव को एस ई एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते कभी भी या किसी भी तरह से ऐसी -E ही नहीं अगर प्लूरल बन सकता है एडजेक्टिव का तो वो केवल और केवल ग्रुप बनाने के लिए द लगा सकते हैं ठीक है जैसे अगर पुअर लिखा था तो पुअर का अगर मुझे प्लुरल बनाना है पुअर्स तो नहीं लिख सकता बट आई कैन डेफिनेटली गो विद वर्ड द पुअर द पुअर वुड बी फाइन बट मैं जजेस करके या पुअर्स करके या कुछ और इस तरह का करके मैं प्लूरल कभी भी नहीं बना सकता है इसी का कारण होता है इफ यू हैव एवर हर्ड द वर्ड टूथब्रश इनफैक्ट क्यों नहीं सुना होगा यार अभी सुबह किए होंगे कुछ लोग वैसे ही बैठ गए होंगे वो अलग बात है तो टूथब्रश है अगर मैं इसके प्लूरल की बात करूँ इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं तो आपको समझना चाहिए हम लोग टूथब्रश में टूथब्रशेस कर देते हैं क्यों जब हम 32 दांतों को साफ कर रहे हैं तो भाई टूथ तो एक दांत होता है शुड नॉट इट बी

An टूथब्रश नहीं, नहीं बोल सकता मुझे टूथब्रश ही बोलना पड़ेगा और प्लूरल बनाया जाए तो टूथब्रशेज होगा टूथ टूथब्रश नहीं हो सकता सेम गो इन द केस ऑफ फुटबॉल इट कैनॉट बी फिटबॉल भले दोनों पैरों का यूज करके आप ड्रिबलिंग कर रहे हैं टैकल कर रहे हैं वट एवर डर बट स्टिल वो फुटबॉल नहीं कहलाएगा क्या फुटबॉल ही कहलाएगा फुटपाथ है फुटपाथ पे आप चलते हो लंगड़ी करके नहीं चलते आप एक पैर रख के नहीं चलते दोनों पैर रख के चलते हो फिर भी पाथ नहीं बोलते फुटपाथ रीजन अगेन सेम है क्योंकि ये सब कंपाउंड नाउन है जिसमें एक नाउन है दूसरा भी नाउन है और जब नाउन के पहले नाउन आता है तो एक कॉमन नाउन दूसरा प्रॉपर नाउन का काम करता है कॉमन नाउन के पहले प्रॉपर नाउन आए वेनएवर प्रॉपर नाउन कम्स जस्ट बिफोर अ कॉमन नाउन Plural नहीं बनता. इस कारण से हम उसमें चेंज नहीं करते सेम यहाँ है बेंच नाउन है फाइव जज यहाँ एडजेक्टिव काम कर रहा है इसलिए फाइव जजेस नहीं कर सकते अगर यहाँ अ और बेंच नहीं लिखा होता तो फाइव जजेस में कोई दिक्कत नहीं थी ये सही था क्योंकि फाइव नंबर है नंबर जब लगता है तो जिस नाउन के लगता है वन के ऊपर होगा तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा टू बॉयज थ्री गर्ल्स फाइव स्टूडेंट्स तो वैसे ही फाइव जजेस बट फाइव जज बेंच है तो ऐसे में नहीं होगा सिमिलर केस गोस फॉर अ टू रुपी कॉइन अ अव रुपी कॉइन अ टेन रुपी नोट इस तरह से वो भी रहता है वहां चेंज नहीं होता सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन कॉजेंट रीजन फॉर अ रिकनसिडरेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्ट दैट वॉज गिवन बाय जज बेंच नॉट फाइव जजेस बैन फाइव जज बेंच इन टू थाउजेंड फोर दैट स्टेट लेजिस्लेचर है तो भाई उनके पास कह रहे हैं कि आ, वो कह रहे हैं दैट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव नो पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सके अमंग द लिस्ट ऑफ लिखा हुआ है अमंग द लिस्ट क्यों बोला है बिटवीन वहां पे अगर लगता तो क्या हो जाता है बिटवीन नहीं पॉसिबल है बिटवीन जब हम ऐसे बात करें ग्रुप की बात करें तो हमेशा अमंग लगेगा बिटवीन इंडिविजुअलिस्टिक केस के लिए लगेगा ग्रुप के लिए नहीं ठीक है ग्रुप के लिए वी ऑलवेज यूज अमंग एंड टॉक अबाउट द वर्ड एमिड एमिड का मतलब होता है क्या वो भी ग्रुप के लिए लगता है बट अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ पे लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ये तो अपने आप पे countable नाउन होगा इसलिए अमंग वुड बी प्रिफर्ड ऑप्शन आई होप सो दिस वर्क दिस इज क्लियर टू एवरी वन ओके फाइव बेंच ऑफ जजेस दैट इज नहीं फाइव बेंच ऑफ जज अलग हो जाएगा हाँ फाइव बेंच ऑफ जज और वो भी जजेस अगर मैं लिख रहा हूँ फाइव बेंच ऑफ जजेस लिखा जाएगा पहली बात तो और लिखा गया तो इसका मतलब है पांच अलग अलग बेंच हो जाएंगे मतलब बेंच क्या है बेंच का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ जूरी सुना है ना जूरी कोर्ट के जजेस को जूरी पहले बोला जाता था अब जो है बेंच बोला जाता है पहले के जमाने में हुआ करता था जब आपने रुस्तम देखे हो, तो रुस्तम में आपने सुना होगा कि वो स्टोरी स्टार्ट भी ऐसे होती है ये उस समय की बा, बात है जब कोर्ट में जज के अलावा कुछ जूरी मेंबर्स भी बैठा करते थे तो वो जूरी पहले होता था बट अब जो कोर्ट के अगर मल्टीपल जजेस बैठे तो बेंच ऑफ जजेस ओके और नॉर्मल जूरी वर्ड का आजकल यूज़ रियलिटी शो के जजेस के लिए हो जाता है ओके आई होप दिस इज़ क्लियर एडजेक्टिव का प्लूरल बोलना सही होगा हाँ एक्चुअली एडजेक्टिव के प्लूरल को अगर बनाने के लिए देखो होता क्या है कि द लगने से चीज ग्रुपिंग हो जाती है उस चीज को ग्रुपिंग के फॉर्म में ला सकते हैं ग्रुप के लिए हम द लगा सकते हैं तो एडजेक्टिव को प्लूरल वैसे तो किया ही नहीं जा सकता ये तो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया ना कि एडजेक्टिव के नॉट बी प्लूरलाइज लेकिन फिर भी अगर प्लूरल बनाना है तो एक ही तरीका है कि आप उसके आगे द लगा दो मैंने ये नहीं बोला कि आप वो एडजेक्टिव प्लुरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है नो डाउट वो नाउन ही बन जाएगा द लग गया तो द के बाद तो नाउन ही आता है बट पॉइंट यह है कि अगर उसको प्लुरलाइज करना है तो देर इज ओनली वन वे दैट इज कि आप द लगा दो वह तभी प्लूरल बन पाएगा क्योंकि वह फिर ग्रुप को वहां पर डिफाइन करने लगता है द पुअर द रिच द लेबोरियस इस तरह से ओके आई होप स नाउ इट इज क्लियर ओके फाइन चलो आगे बात करें तो इतना क्लियर आई होप सो अमंग द द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट आगे कह अ फाइव जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा हैज द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकेस्ट अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट विदाउट डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट ध्यान से सुनना इधर कुछ और था क्या यहाँ पे बताने वाला ठीक है ध्यान से सुनो आगे कह रहे हैं फाइव जज बेंच दैट वॉज हेडेड बाय दैट हेडेड बाय इस तरह से लिखा है फाइव जज बेंच दैट हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा हैज एफर्म एफर्म का मतलब होता है किसी चीज पे प्रेशर देके बोलना ठीक है फिर से अगर हम प्रेशर देके किसी चीज को बोलते हैं तो दैट एज एफर्म वहां पे तो हैज एफर्म्ड मतलब स्टेट एम्फेटिकली या पब्लिकली उसको चीज़ को बोला है कि जो कॉम्पिटेंस है कॉम्पिटेंस मतलब जो एबिलिटी है क्षमता है द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट्स भाई स्टेट्स का जो कॉम्पिटेंस है स्टेट्स का जो कह सकते हो क्षमता है किस चीज़ की कि वो प्रिफ्रेंशल ट्रीटमेंट दे जो सबसे वीक सबसे कमज़ोर क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट की तो ऐसे केस में वहां पे वो जो सबसे नीचे आती है सबसे कमज़ोर है उनको क्या दे उनको वहां पे प्रफरेंशियल ट्रीटमेंट दे मतलब प्रेफरेंस दे हर जगह जहाँ पे पॉसिबल हो ट्रीटमेंट टू द वीकेस्ट अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट विदाउट डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट जिसमें कि बाकी किसी कास्ट को उनके बेनिफिट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ठीक है और ऐसा करते हुए जो है क्या करना चाहिए उन लोगों को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी चाहिए उन शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में भी भाई अलग अलग वेराइटी ऑफ लोग आएंगे तो उसमें जो सबसे नीचे आ रहा है उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाए कुछ जगह और इन लोगों के उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन लोगों का जैसा है वैसा रहे बट इनको कुछ जगह जहां जरूरत है वहां पे प्रेफरेंस है सो दैट दे कैन ऑल्सो राइज ओके तो इस तरह से ये बोल रहे तो गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकेस्ट अब देखो यहाँ पे द वीकेस्ट लगा है द वीकेस्ट मतलब वही है ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ वीक पीपल की बात हो रही है वीक मतलब कमजोर मॉनिटरी फाइनेंशियली अगर हम बात करें कमजोर होने की उस सेंस में ठीक है तो अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट विदाउट डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट डिप्राइविंग जब भी लगता है इट ऑलवेज टेक्स ऑफ ठीक है तो उस हिसाब से यहां पे बोला जा रहा है तो डिप्राइविंग ऑफ हो जाएगा डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट आई होप से इतना क्लियर है आगे बात करें तो कह रहे हैं द कोर्ट हैज नोटेड दैट दैट सुप्रीम कोर्ट लिस्ट कंटेन्स मेनी कास्ट एंड कैनोट बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस ग्रुप इट हैज रिकोगग्नाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई फॉर प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट

तो कोर्ट ने ये चीज वहां पे बताई वहां पे जो है एक्सप्रेस की कि सुप्रीम कोर्ट लिस्ट कंटेन्स मेनी एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस ग्रुप ठीक है कोर्ट ने ये चीज नोट की कि सुप्रीम कोर्ट लिस्ट जो है उसमें काफी सारे कास्ट आते हैं और उसको एक सिमिलर ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब एस में भी अपने आप में क्या अलग, अलग 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 कास्ट आते हैं तो उसमें जो है उसको एक सिमिलर ग्रुप की तरह ट्रीट करना सही नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हैज रिकॉग्नाइज द ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन का यहां मतलब जो है ड्यूटी के सेंस में आ के सेंस में में आ आ रहा रहा है है के तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इस चीज में स्टेट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की जो है जो कर्तव्य है टू आइडेंटिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो भाई वो उन्होंने जो स्टेट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे किनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी है ध्यान रखना एक जो न्यूज़पेपर था उसमें यहाँ कॉमा नहीं लगा था ये कॉमा मैंने खुद से ऐड किया अभी बताऊंगा क्यों आइडेंटिफाई फॉर प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दो सेक्शंस ओके आइडेंटिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो सेक्शंस विद इन द एस सी कम्युनिटीज टू होम रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो उन्होंने बोला है कि वो लोग समझते हैं स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है कि वो क्या करे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों को उन सेक्शंस को आगे लाए या उन सेक्शंस को जो है आइडेंटिफाई करे जिनके तहत एस सी कम विद इन द एस सी कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज के अंदर अंदर उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनका जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं रहे हैं ठीक है जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं एंड वर इन द सेम स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस फॉर डिकेट्स और वो अपने आप में क्या काफ़ी सम, समय से काफ़ी दशकों से जो है उसी बैकवर्डनेस के स्टेट में रह रहे हैं नो no डाउट भाई अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो जो कैटेगरीज आती हैं तो उस मामले में माना ये डिबेट का टॉपिक नहीं है क्योंकि आप कितने भी डिबेट करो दैट इज नॉट अ फ्रूटफुल डिबेट ये केवल सच में लड़ाई होती है और कुछ नहीं बट हां पॉइंट ये है कि देखो यार नो no डाउट कुछ लोग ऐसे हैं जो आज अगर देखें उनके पास बेनिफिट बहुत जल्दी पहुंचे थे बहुत अच्छे से पहुंचे थे और जब पहली बार ये प्रपोज भी किया था कास्ट सिस्टम वाली बात तो बोला यह गया था कि दस साल बाद दस साल बाद ये सिस्टम हटा देना चाहिए बट जिन्होंने ये प्रपोज किया था बी आर अम्बेडकर साहब जी तो अगर हम देखें तो उन्होंने वो प्रपोज किया था बट वो नहीं रहे तो आगे आने वाले लोगों ने उसको चलने दिया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए स्पेशली पॉलिटिक्स में ही होता है नो no डाउट तो ये चलता रहा चलता रहा और कोई हटाने की अब हिम्मत कर भी नहीं सकता टू बी वेरी ऑनस्ट वो बात सही है बट पॉइंट यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो लोग उसका बेनिफिट लिए जो लोग उसका बेनिफिट लिए वो तो आज बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं चाहे पोस्ट में बोलो चाहे अर्निंग्स में बोलो चाहे किसी और चीज में बोलो नो डाउट बट जिनको सच में पहुंचना चाहिए था वो आज भी नहीं पहुंचा है वो ऐसे लोग बहुत है जो अभी तक उनको अता पता भी नहीं होगा कि ऐसी कुछ चीज होती है या नहीं होती है ये सब चीजें बहुत ज्यादा बैकवर्ड बहुत रूरल बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं उनको नहीं पता होता है ये सब चीजें तो अब पॉइंट वही है उधर तक पहुंचा ही नहीं है बाकी लोग तो मजे ले रहे हैं एक तरह से यही बोला जाएगा तो वो प्रॉब्लम है उसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि उन चीजों को वो अलग बात है उन्होंने बोला इसको मत हिलाओ बट यस yes, इनको इन तक पहुँचने दो ये बात सही है अपनी जगह बाकी ये है भाई एक पॉइंट ये भी होता है कुछ लोग मेरे भी काफी ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो अपने, अपने आप में मतलब एस सी में आते हैं मैंने ये भी देखा है कि वो लोग एग्जाम अपने उस कैटेगरी से नहीं देखे बिकॉज वो अपने आप में सक्षम है धन संपन्न है कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनमें वो काबिलियत है तो वो जनरल से ही देते हैं जनरल से फॉर्म फिल करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन वो अलग बात है फैसिलिटी मिल रही है तो भाई यूज़ करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है आप में क्या काबिलियत है उस हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते बट जिन लोगों तक पहुंचा ही नहीं है जिन लोगों तक ये सब बेनिफिट ही नहीं पहुंच रहे तो नो डाउट भाई वो अपने आप में पहुंचना बात सही है यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से पॉइंट सही लग रहा है आगे देखते हैं और पता चलेगा क्या चीजें लिखी है हुम so रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड ही रहे हैं उन तक पहुंचा ही नहीं है जो उनको वहां तक पहुंचना चाहिए था ठीक है ये वाली बात यहां तक लिखी हुई है आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज वॉट इधर अगर ग्रामर पार्ट पे हाँ ये मैंने जो बोला था अब उस चीज पे ध्यान देते हैं कॉमा लगा हुआ है बेटा ये बहुत ध्यान से सुनना अगर मैं आपको आज का न्यूज़ पेपर दिखाऊँ तो न्यूज़ पेपर में आपको कॉमा लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये मैंने खुद लगाया है रीज़न क्या होता है देखो ऐसा मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा था क्या ग्रामेटिकल एरर्ज या कुछ ऐसे एरर जो है वो न्यूज़पेपर में हो सकती है जवाब है नो no डाउट क्यों नहीं हो सकती पहला तो सवाल यही है कि क्यों नहीं हो सकती भाई इंसान ही तो लिख रहा है ना इंसान वहाँ लिख रहा है इंसान टाइप कर रहा है तो गलती इंसानों से ही होती है और किसी से थोड़ी ना होती है कभी कभी कुछ स्ट्राइक नहीं करता नहीं समझ में आया तो हो सकता है गलती भगवान लिख रहे होते तो हम सोचते भैया कि हाँ भाई कुछ फर्क है या कुछ नहीं है है ना कभी कभी गलत गलती तो शायद भगवान से भी हो जाती है कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ पे भेजा है तो ऐसे के इसमें बिल्कुल बोल सकते हैं पॉइंट इज कि जब ये गलती होती है तो यार क्या आइडेंटिफाई करना देखो एक सवाल उठता है कि क्या कैन वी कंप्लीटली रिलाय ऑन फॉर ग्रामर एंड ऑल ये मेरे से काफी लोग पूछते रहते हैं तो मैं यार मैं एक सीधा जवाब देता हूँ एग्जाम में हमारे न्यूज़पेपर से ही चीज़ें आती है राइट मैं कहता हूं ठीक है आप कोई बुक से पढ़ो मत पढ़ो न्यूज़पेपर बट मुझे एक बात बताओ कौन सी बुक में आप ये एश्योर कर सकते हो मुझे कि उसमें गलती नहीं है उसमें एक भी गलती नहीं है रेन एंड मार्टिन मैं ऐसी बुक मानता हूं जो इंग्लिश की सबसे परफेक्ट बुक है अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मोस्ट रेन मार्टिन पर ही मैं रिफर करूंगा इनफैक्ट काफी सारे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स होंगे अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो रेन मार्टिन पे ही रिफर करते हैं रेन मार्टिन को ही रिफर करते हैं बट मैंने उसमें भी गलतियां देखी हुई है अब क्या करें तो पॉइंट वही है गलती इंसानों से होती है कोई बड़ी बात नहीं है न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम यह है ना न्यूज़पेपर से अगर आप समझ रहे हो तो पॉइंट ये होता है कि आप उस पार्ट को कवर कर रहे हो जो एग्जाम में पूछा जाता है जिस तरह से पूछा जाता है अगर उस तरह की लैंग्वेज से हम अवगत हैं तो इफ वी आर अवेयर ऑफ ऑल दो थिंग्स सो डेफिनेटली वी कैन हिट दैट पर्टिकुलर यू कैन से पॉइंट जो हमें चाहिए अचीव करना है तो वही है इसलिए बिल्कुल हो सकते कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए यहाँ अगर हम समझे सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइन सो so, अगर देखा जाए यहाँ पे जो बोला जा रहा है क्या बोल रहे हैं इट हैज़ रिकोगनाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई बेटा आप लोग क्या करते रहते हो जरा बताओ आप लोग कितना मतलब क्या बातें ही होती रहती है क्या पूरे टाइम प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ जैसे अभी वो अमित को बैन किया है वैसे आप लोग भी बैन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है प्लीज ट्राई टू फोकस यार ये कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी चीज नहीं है है तो एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती उसको समझना जरूरी है चैट में अगर लगे रहोगे तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कुछ फायदा होगा आप उस चैट में इंफॉर्मेशन शेयर करो दैट्स फाइन बट वहां पे गप्पे लड़ा रहे हो यार ये वही बात है कि क्लास चल रही है आपकी नॉर्मल जैसे क्लासरूम में चलती है और टीचर पढ़ा रहे हैं और जो है पीछे बैठ के आप लोग गप्पे लड़ा रहे हो ऑफलाइन अगर मेरे सामने अभी बैठे होते तो मैं बताता क्या हो सकता है ठीक है यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड रह जाता हूँ बैन और ब्लॉक करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट रियलिटी में आपको वहां पे बता सकता था मेरे सामने होते तो जरा चीजों को फोकस करो आपके लिए अगर हम लोग इतना करते हैं तो यार आप लोग थोड़ी देर शान नहीं बैठ सकते हो और नहीं बैठ सकते हो तो भाई कल से आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है आपके बिना सेशन नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला इफ यू कैन फोकस इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट देन इट्स ओके एल्स आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इन नीड टू अवेल दिस सेशन ओके सो बेटर प्लीज समझो चीज को ऐसी जरूरत ना पड़े मेरे को यह सब चीजें बोलने की अच्छा नहीं लगता ऑनलाइन में भी अगर मुझे ऐसा बोलना पड़े तो आप मेच्योर अभी तक नहीं हुए हो हम यही मानते हैं कि ऑनलाइन में यार मेच्योर पीपल आएंगे या मेच्योर लोग आएंगे यहाँ पे इमेच्योरिटी अगर आप दिखाओगे आई डोंट थिंक दो दैट्स ऑफ एनी यूज ओके प्लीज ये वॉर्निंग है नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए मेरे को केवल एक बटन दबाना पड़ता है ब्लॉक हो जाओगे आप उसके बाद आते रहो जिंदगी भर ढूंढते रहो कहाँ गया आगे अगर हम बात करें तो ऐसे के इसमें वो क्या है इट हैज रिकॉग्नाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई फॉर प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दो सेक्शन और देखो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बाद ये जो लिखा है ये कैसे आ सकता है डायरेक्ट तो नहीं आ सकता ट्रीटमेंट के बाद दो आना इम्पॉसिबल है नाउन के तुरंत बाद प्रोनाउन नहीं आ सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक है यार रिफ्लेक्सिव ही नहीं उसको इम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि इट हैज रिकोगनाइज द ऑब्लिगेशन जो ड्यूटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेसेसिटी है कमिटमेंट है ऑफ स्टेट्स

वो जो है अपने आप में इस स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस में रह रहे हैं ठीक है थीके? तो ये इस सेंस में वहां पे ऑफ लग के आप उस हिडन वर्ड को समझ पाओगे बट बिना कॉमा के हिडन वर्ड आना पॉसिबल नहीं है और वो जिस तरह से उन्होंने लिखा है वहां से मैंने उम्मीद लगा था कि वहां किसी भी तरह से ट्रीटमेंट दो एक साथ आ सकता है कॉमा एटलीस्ट वॉज रिक्वायर्ड ठीक है चलो फ्री में बनती उससे क्या कर लोगे यार ठीक है आ जाओ मेरे को क्या करना है ब्लॉक करना कोई बड़ा काम थोड़ी ना यार जितनी देर जितना देर आपको आईडी बनाने में लगता है ना मेरे को उससे वन वन बाय फाइव टाइम्स कम लगेगा आपके उसको ब्लॉक करने में ठीक है बनाओगे उतनी डिटेल्स डालोगे करो आप जितनी आईडी बना लो आप खुद ही पर, परेशान हो जाओगे एक बार दो बार पांच बार करोगे उससे थोड़ा ना करोगे मैंने पहले ही कहा आई वॉन्ट जेन्यून स्टूडेंट्स आई डोंट वॉन्ट मेरे को भीड़ लगा के करोड़ों लोगों को पढ़ा के मैं जो है कुछ वहां पे नहीं आई डोंट वॉन्ट दैट ठीक है लिमिटेड लोग पढ़े बट जो लिमिटेड लोग पढ़ रहे वो सीरियसली पढ़े और सेलेक्शन ले मेरे लिए उतना मैटर करता है उससे ज्यादा कुछ नहीं कंटेंट अगर सिलेक्शन ओरिएंटेड है तो आपका उससे सिलेक्शन ना हो तो आई थिंक सो वो शर्म की बात रहेगी मेरे लिए पहले और फिर बाद में आपके लिए तो अगर उतने तरह से मैं डिलीवर कर रहा हूं उतने डिटेल में जाके अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं हर एक चीज को वैसे बता रहा हूं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं बाकी आर्टिकल जो दूसरा आर्टिकल आता है आज का दूसरा आर्टिकल बहुत इजी लैंग्वेज है उसमें अप्लाई करो ये सब चीज़ें और फिर उसके बाद देखो कैसे चेंज नहीं आता भाई 10 से 15 दिन लगते हैं इन सब चीजों को केवल करने में बाकी चीजें रोज जो हम कर रहे हो एक रिवीजन के तौर पे होता है इससे अच्छी चीज और क्या चाहिए यार लोग पढ़ा के चल देते हैं रिवीजन आज तक जिंदगी में नहीं हुआ आपका रिवीजन इतना अच्छे से हो रहा है जो अगर आप करना चाहे तो यू कैन डेफिनेटली अवेल द बेनिफिट और इंग्लिश जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो कभी जिंदगी में न रहेगी वो वाली बात है ठीक है काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर यूट्यूब पे आप वो सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाते पूरा बेसिक रूल्स एंड पढ़ा सकता हूँ कोई बड़ी बात थोड़ी ना वो उसमें कितना टाइम लगेगा बच्चों जैसी चीज़ें वो मेरे को तो वो पढ़ाने में उल्टा मजा आता है मैं तो उसमें दूसरे ही वे में पढ़ाता हूँ पूरा उम्रस वे में मेरे को मजा आता है बट यार ये वो सीरियस कंटेंट है वो कह सकते हैं जेन्यून कंटेंट है जो एग्ज़ाम में काम आएगा और ना उनकी डेफिनेशन बता के मैं कुछ बड़ा लंबा वो नहीं कर लूंगा ना कोई एग्जाम में पूछने वाला है ना कोई टाइप पूछने वाला है ना, ना उनका कोई भी रूल आने वाला है एक्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ वो बात यहाँ पे टारगेट होती है तो उस हिसाब से चीज़ को समझो उसकी वैल्यू को समझो उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपकी तरफ से कुछ भी मुझे भी नहीं चाहिए मुझे केवल एक सिलेक्शन चाहिए वो शायद आप लोग ही दे सकते हैं और उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना जरूरी है ठीक है चलिए सो so, आगे अगर हम बात करें तो ऐसे केस में यस डेफिनेटली आई विल ट्राई दैट शिराज थैंक यू फॉर द सजेशन आगे बात करें उसके लिए आप अपने दोस्तों को बोलो कि वो लोग जरा थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल करें मेरे ऐसे बकवास करने में मेरा अगर पन, दस मिनट वेस्ट हो जाए तो आई आई डोंट थिंक वो फिफ्टी से कम में हो जाएगा है ना तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आप लोगों की तरफ से थोड़े एफर्ट्स चाहिए आगे अगर देखें तो ऐसे केस में क्या हो जाता है आप लोग रिपोर्ट कर दिया करो जो बदतमीजी कर रहे हैं सिंपल सी बात ठीक है एज सिंपल एज दैट चलो इंप्रूव यस फॉर इंप्रूवमेंट इट वुड बी इनफ बट स्टिल यू नीड टू इंप्लीमेंट एवरीवेयर ठीक है रूल जो आप पढ़ते हो केवल पढ़ के क्या कर लोगे एग्जाम में पूछा जो जाता है आप जब मॉक टेस्ट देते हो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो वे यू पिकअप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जिस तरह से मैंने बताया था क्या वो एरर में है फ्रेस रिप्लेसमेंट में बाकी जगह फंसाए कि नहीं जहां नहीं पता और क्या क्या ऐसी चीजें जो एग्जाम आपने दिया मॉक टेस्ट दिया और उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं ठीक है तो ऐसे में क्या ऐसी चीज है जो आपकी लगी यार सर ये कवर नहीं होता आपका वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि सर ये आप कवर नहीं करते उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कवर हो सकता है या मैं उसको भी करने की कोशिश करूंगा चीजें अगर जो समझा रहा हूं जो बता रहा हूं वो समझते हो ग्रामर वो चीज है अगर इंडेप्थ लेवल पर चले गए कमांड हासिल कर लिया मैं आपको बता रहा हूं आउट ऑफ थर्टी आउट ऑफ थर्टी अठारह तो कम से कम ही आ जाएंगे ये कम से कम मैं बता रहा हूं

State of that caste into जो फॉर्मुलस था, था पहले ठीक है अब थोड़ा सा मतलब अपने आंध्र प्रदेश और उस वाले केस में था जहां पे दो हजार चार का एक केस था जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट को ग्रुप्स में क्लासीफाई करना मतलब यह माना जा रहा था कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट से आप छेड़खानी कर रहे हो इसलिए उस समय मना कर दिया गया था इसलिए वहां पे मना कर दिया था लेकिन अभी के बेंच ने इस चीज से डिसएग्री किया है कि ऐसा कुछ नहीं छेड़खानी थोड़े ना कर रहे हैं उस चीज पर बात करके हम कर रहे हैं जिससे कि भाई उन लोगों को भी फायदा मिले जिनको सच में मिलना चाहिए नेक्स्ट दे टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनडेड इन टू थाउजेंड एटीन टू इंट्रोड्यूस आर्टिकल थ्री ए अंडर विच द प्रेसिडेंट नोटिफाइज इन कंसल्टेशन स्टेट्स साथ ही साथ ये बोल कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने अपने किया गया, गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन 2018 जिसमें कि 342 ए आया है ठीक है जिसके तहत क्या होता है इन जिसमें कि प्रेसिडेंट नोटिफाइड इन कंसल्टेशन विदेट द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज विदियट Similar to the ones in respect of scheduled cast, 341, article 341 and Schedule tries 342, that parliament can make inclusions or exclusion this list and that once, a, once such a change is notified, it shall not be verified by any subs, uh, subsequent notification. या सॉरी वे रीड बाई एनी सबसिक्वेंट नोटिफिकेशन तो कह रहे हैं क्या कह रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी एक अमेंडमेंट लाया था 2018 में तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लाया गया था 2018 में जहां तीन सौ बयालीस एर्टिकल थ्री फोर्टी टू ए इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है उसके तहत क्या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट ये भी एक फ्रेज रहेगा ठीक है इन कंसल्टेशन विद इन कंसल्टेशन विद समन दिस इज अ फ्रेज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट है वो उन्होंने वहां पे बताई थी इन कंसल्टेशन स्टेट द लिस्ट ऑफ उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात की थी कि बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे विथ अ कैवियट कैवियट का मतलब होता है वहां पे क्या वार्निंग चेतावनी कॉशियसनेस ठीक है या क्वेश्चन बोल सकते हो तो कैवियट सिमिलर टू द वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस सी एंड एस टी ट पार्लियामेंट कैन मेक इंक्लूजन भाई की उसमें पार्लियामेंट ही इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकता है उस लिस्ट में और एक बार अगर ऐसा चेंज आ गया और वो नोटिफाई कर दिया गया उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता बाय एनी सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन भाई अपने आप में उसके बाद कोई और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है कोई नोटिफेशन आ रहा है तो उससे कुछ चेंज नहीं आएगा अगर एक बार नोटिफाई कर दिया गया है ठीक है बाकी अगर इधर देखें मैंने बताया इधर फ्रेजेस कुछ आए हुए हैं जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ हो गया इन कंसल्टेशन विध हो गया सिमिलर टू हो गया ये सब कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस जो यहाँ पे आ रहे हैं ठीक है तो ये सब चीजें हैं ये सब आपके एग्जाम में काम आ जाता है फ्रेज रिप्लेसमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इन कंसल्टेशन विथ की जगह कुछ और दे दिया इन कंसल्टेशन और कुछ और दे दिया विद की जगह है ना या ऑन कंसल्टेशन विद दे दिया दैट वुड बी इनकरेक्ट ठीक है सिमिलर टू लेता है अपने साथ दे दिया तो ये सब गलत हो जाता है With respect to, in respect of, ऐसा होता है है ठीक ऐसा कल भी बताया था मैंने परसों आगे कह इज द इफेक्ट ऑफ इसका प्रभाव क्या है कोर्ट द बैकवर्ड क्लास लिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड द सेम कुड बी डन अमंगे कि कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से Uh, कह सकते हो कि एक बैकवर्ड लिस्ट बनाई जाती है और बैकवर्ड में भी हम बताते हैं कि ये बैकवर्ड है ये मोर बैकवर्ड है उसी तरह एस में भी जो है वो इस तरह से लिस्ट क्रिएट की जा सकती है ओके okay? आगे कह रहा है एज ई वी चिनाइया इज ऑल्सो वर्डिक्ट बाय अ बेंच विद अ स्ट्रेंथ ऑफ फाइव द मैटर हैज बीन रिफर्ड टू अ लार्जर बेंच ऑफ सेवन जैसे कि मैंने बोला था है ना इफ द जजमेंट इज रिकड इट वुड प्रोवाइड वेलकम रिलीफ टू स्टेट्स श टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू द कास्ट विद इन द एसिटी दैट हाव मेड मेड द लीस्ट प्रोग्रेस तो आगे अगर हम बात करें वहां पर क्या कह रहे हैं वट इज इट टॉकिंग अबाउट सर टू थाउजेंड एटीन के पहले सिंस का यूज क्यों नहीं हुआ कहां था टू थाउजेंड एटीन बेटा सिंस नहीं बोल रहे मैं दो हजार अठारह में ही तो अमेडमेंट आया था दो हजार अठारह से अमेंडमेंट चल तोड़ी नर टॉकिंग अबाउट वहां पे जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है कि 2018 में आया था अगर मैं कहूं कि भाई समवन वाज बोर्न इन इन 1991 1991 तो ये है वो since थोड़े वो सिंस सिंस ना बन जाएगा कोई KGF चल रही है क्या ब्रांड 1950 वाला उस तरह से नहीं है ठीक है इन मतलब वो पैदा हुआ उस वाले ईयर की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक जब हम बात कर करें किसी भी पीरियड ऑफ टाइम की तो ऐसे इसमें इन वहां पर यूज किया जाता है ठीक है आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट इज वॉट वहां पे आगे क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करें तो ये मैंने बता दिया इफ द जजमेंट इज री अगर जजमेंट यही रिकन्सिडर किया जाता है मतलब जो सेवन जज बेंच है वो भी उसको रिकंसिडर करती है तो नो डाउट इससे स्टेट्स को फायदा होगा स्टेट्स के लिए एक वेलकम रिलीफ होगी उन स्टेट्स के लिए जो अपने आप में क्या चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सके कास्ट के प्रति जो एससी कम्युनिटीज के अंडर आती है जिन्होंने प्रोग्रेस अभी सबसे कम किया है ठीक है इधर भी ज्यादा कुछ है नहीं ग्रामर पार्ट का बस इतना ध्यान रखना इफेक्ट लगा ये नाउन है इसलिए भाई द के बाद आ रहा है तो द के बाद इफेक्ट इज टोटली फाइन अफेक्ट होता है अगर ये वर्क की तरह आता है अभी नाउन है इसलिए इफेक्ट इज इस टोटली फाइन ओके सो so, अगर हम देखें हिमांशु वर्मा मैंने पहले ही आपको बत, ये चीज़ मैंने खुद ही बोल दी आपको बोलने की जरूरत थोड़ी ना है वाई वाई टू वरी ठीक है बार बार वो चीज़ करने से स्पैम होता है केवल और कुछ नहीं होता और अपनी तरफ से करने वाले कर चुके हैं और भी बाकी लोगों को मैं बता चुका हूं तो वो अपने आप हो जाएगा डोंट वरी खैर आगे बात करें तो ऐसे केस में वहां पे क्या कह रहे हैं इफ द जजमेंट इज रिकर्ड इट वुड प्रोवाइड वेलकम रिलीफ टू स्टेट्स दैट विश टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टू द कास्ट विद इन द स्टेट कम्युनिटीज विद इन एससी कम्युनिटीज दैट हैव मेड द लीस्ट प्रोग्रेस ओके ओके तनीशा तनिषा यू कैन डू वन थिंग फॉर योर वोकैब पार्ट यू कैन डू वन थिंग जो वर्ड्स आते हैं डेली दो द वर्ड्स दैट आर यू कैन से मैंशन इन द एडिटोरियल और दैट कम इन एडिटोरियल यू कैन डेफिनेटली मेक अ लिस्ट जितने लोगों को वो कैप की प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन बता रहा हूँ वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग वो कैप के लिए एक शीट बना ले एक्सेल शीट बना ले या कहो तो गूगल शीट बना ले और उसमें शीट बना ले शीट वन शीट टू शीट थ्री इस तरह से करके शीट वन में आप रोज के वर्ड्स लिखोगे ओके यू विल राइट द डेली वर्ड्स देयर एंड शीट टू में आप कैटेगराइजेशन करोगे जैसे आज के जितने वर्ड है वो लॉ के तहत आए हैं नेक्स्ट कोई भी आर्टिकल लॉ के तहत आता है उसमें अपडेट कर देना मान लो मैंने अभी प्रीवियस जो पढ़ाया था वो पैंडेमिक के ऊपर था तो पैंडेमिक के हिसाब से वहां पे आ जाएगा या मैंने वॉर के ऊपर पढ़ाया था अभी कल वो जो प्रीवियस वाला था इसराइल वगैरह वाला वो वॉर पे था तो वॉर का एक अलग बना लो ऐसी कैटेगराइजेशन कर लो एंड वेन उसमें एड करते जाओ फिर उनको पढ़ते जाओ इससे किस तरह से हमें अब चीजों को पढ़ना है तो कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो काम काफी आसान हो जाएगा आगे बात करें कह रहे इन द प्रेजेंट केस आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें जो अफेक्टेड देखो वहां इफेक्ट था ना उन बट यहाँ क्या है एबजेक्टिव स्ट्रेट नाउन है, है उसी के लगा है दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह अफेक्टेड ही रहेगा ठीक है इफेक्टेड नहीं हो सकता इन द प्रेजेंट केस जो अफेक्टेड स्टेट है स्टेट है वो पंजाब पंजाब को वहाँ पे पंजाब में ये केस हुआ है पहले आंध्र प्रदेश में था अब पंजाब वाला केस है विच वॉन्टेड टू गिव प्रस टू बाल्मीकिज एंड मजहबी सिख्स अमंग सीट्स रिजर्व फॉर एस सी कैंडिडेट तो वो वहां पे बाल्मीकिजो है या जो मजहबी सिख है उनको वो सीट देना चाहते थे अमंग सीट्स रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट और जो भी ग्रुप ऑफ सीट्स है या जो भी अपने में सीट्स है रिजर्व है उनको वहां पे देना चाहते थे लेकिन मेजर स्ट्रक डाउन बाय हाई कोर्ट लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया स्ट्रक डाउन स्ट्राइक डाउन कर दिया उन्होंने इन लीगल या अनएनफोर्सेबल बता दिया देर बाय देर बाय लगा के इधर क्रॉस चेक कर सकते हो देर बाय साइटिंग ईवी चिन्ह चिनाइया ठीक है चिन, इसी चीज को साइट किया कि वो वाले केस में देखो मना किया गया था उसी के चलते तमिलनाडु हैज ऑल्सो कार्व आउट थ्री परसेंट कम्पार्टमेंट फॉर अरुण धतीयर्स विद इन द एटीन परसेंट एस टी कोटा तो उन्होंने भी तमिलनाडु ने भी क्या किया है एटीन परसेंट एस सी कोटा जो पहले से उधर है उसी में तीन परसेंट का एक कंपार्टमेंट उन्होंने अलग कर दिया है केवल और केवल इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ठीक है बट पॉइंट वही है ये सब फायदे जो उनको दिए जाते हैं उस फायदे का फायदा उठा के अगर वो आगे बढ़ पाते तो शायद हम उस जो भी ये सब चीजें डिसीजन लिए जा रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे एल्स आई डोंट थिंक वो कुछ है कि पहले ग्रुपिंग कर दो आप उनको उतना दे दो उसका कोई फायदा नहीं है नहीं तो भाई कल को तो हर एक व्यक्ति जो है रिजर्वेशन ही मांगने लगेगा तो इसका कोई सेंस भी नहीं बनेगा फिर यही एक प्रॉब्लम है ओके सेंड सच टाइप ऑफ अ फाइल बिकॉज आई ट्राइड इट बट नॉट सक्सेसफुल तो मैं कहाँ भेज दीजिए बताओ <laughs> ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है आप मेल करो मेरे को फिर उसके बाद में उसका एक भेज सकता हूँ कैसे करना है ठीक है ओके आगे बात करते हैं तो ऐसे में अगर हम बात करें इट वॉज हेल्पफुल बट नीड टू बी मोर रेगुलर हाँ दैट इज योर प्रॉब्लम है ना मैं सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ उसमें कितना मेहनत करना है कैसे करना है ये मेरा मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ मैंने जिन स्टूडेंट्स को ये बोला और जिन्होंने फॉलो किया है दे हैव डेफिनेटली अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग बट जो नहीं कर पाए तो फिर मैं उसमें नहीं कुछ कर सकता है ना और क्या हो सकता है और कोई तरीका नहीं है कि आप मैं वर्ल्ड को मैं रटवा दूँ आपको है ना सेशन ले लेके आई डोंट थिंक दो दैट वुड वर्क एनी बट स्टिल देख सकते हैं उसका एक तरीका हो सकता है आगे बात करें नेक्स्ट क्या है कह सच एफर्मेटिव एक्शन एक्शन बेंच ओवर का एफॉर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा अगर लार्जर बेंच मतलब जो सात जज की बेंच होगी वो वापस से ओवरटर्न कर देती है वो वाला फॉर्मुलेशन जो पहले हुआ था मतलब इन्हीं का सपोर्ट करती है जो अभी हुआ है उस वाले केस में अब ध्यान से सुनना ये एक बहुत बड़ी चीज है हाउ एवर आउटकम में नॉट बी है न अनमिक्स ब्लेसिंग फॉर दलित सेट लार्ज ऐसे चीजों को जहां पर दो अलग तरह की चीजें पड़ रही है उसको नॉट है नेगेटिव और इधर अनमिक्स है इसको काट दो जैसे मैथ में काटते हो ना टू इधर भी है टू इधर भी है तो काट देते हो दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव वहां काट देते हो बिल्कुल वैसे ही करो इसको भी हाउ एवर द आउटकम में बी अस्ड ब्लेसिंग फॉर दलित सेट लार्ज यही कहना चाह रहे हैं मे नॉट बी एन अनमिक्स ब्लेसिंग मे नॉट बी एन वही है an, तो भाई एक पे अगर बात करें करे, तो ये हो सकता है एक उन्हें मिले, दोनों तरह से उनका फायदा भी हो थोड़ा सा नुकसान भी हो रिसेंट जुरूडेंस इज वियरिंग टू द व्यू दैट द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड टू एस एस टी कैंडिडेट्स टू तो अभी का जो जूरिस uh, है मतलब जो अभी लीगल सिस्टम है वो तो कुछ ऐसे ही दिशा में ले जा रहा है कि भाई क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई हो जाना चाहिए एस सी कैंडिडेट्स में आगे कह रहे हैं गिवन द ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन दल इज कंटिन्यू टू फेस तो भाई जिस तरह का वो अपने आप में ये सहन करते हैं उनके साथ ऑपरेशन मतलब जिस तरह का क्रूअल बिहेवियर होता है जैसा एब्यूज किया जाता है या मार्जिनलाइजेशन है मार्जिनलाइजेशन मतलब ट्रीटमेंट ऑफ समवन और समवन एज इनसिग्निफिकेंट और लेस मॉडर्ट मतलब उनको तुच्छ की तरह ट्रीट किया जाता है इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाता है तो दलित जिस तरह का ये फेस करते हैं इट इज़ अ मूड क्वेश्चन भाई ये एक ऐसा डिबिटेबल क्वेश्चन बन जाता है कि वेदर दिस इज अप्रोप्रियट टाइम टू बिगिन एक्सक्लूडिंग सम ऑफ देम ऑन द ग्राउंड दैट दे आर बेटर ऑफ देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी तो एक सवाल आता है कि भाई ये जिस तरह का अभी माहौल है उस हिसाब से ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह से क्लासिफाई करना बनता है कि उनको बताया जाए कि आप बेहतर हो इन लोगों के कंपेरिजन में तो उसको फिर उस हिसाब से बाकी लोगों को जो है थोड़ा सा और प्रेफरेंस दिया जाए द कंसर्न शुड बी लेस अबाउट द क्रीमी लेयर ऑक्यूपाइंग पोस्ट अंडर एस सी कोटा एंड मोर अबाउट एंशरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द मोस्ट अमंग द लिस्ट तो भाई ये कह रहे हैं कि उसको जो कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट है भाई वो इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि एससी कोर्ट के एससी कोटा के तहत क्रीमिलेयर जो है उस चीज को आप कर रहे किसी पोस्ट वगैरह को बल्कि होना चाहिए इस चीज के लिए कि एडिक्वेट वे में भरपूर मात्रा में पर्याप्त रिप्रेजेंट किया जा सके जो मार्जिनलाइज है ज्यादा मतलब कह सकते पीड़ित है दलित में तो ऐसे में उनको आगे लाया जाए ये बोला जा रहा है ठीक है इतना आज का पैरा था आर्टिकल था बाकी अगर देखें तो दिस वाज द क्वेश्चन ये आपका आज का सॉरी उस दिन का क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी रह गया एक्चुअली व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड हिजबुल्ला एंड इसराइल बीइंग ऑन देयर गार्ड फॉर अ सरप्राइज अटैक एनी टाइम तो ये क्वेश्चन था इसका आंसर मोस्ट प्राइबली लोगों ने ये दिया है बट अगर आप देखो तो ये इनकम्प्लीट है अगर मैं पूछ रहा हूँ रीज़न क्या है अगर किसी तरह की कि दोनों को आ, ड ऑन देयर गार्ड ऑन देयर गार्ड मतलब रेडी रहे सरप्राइज अटैक के लिए इसराइल और हेजबुल्ला दोनों या तो लिखा होता केवल जो है लिखा होता क्या इसराइल को रेडी रहने को था तो तो ये आंसर सही था बट दोनों का रेडी रहना तो उसके चलते दो रीजन होने चाहिए पहला हेजबुल्ला फायर्ड हंड्रेड ऑफ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स इनटू नॉर्दर्न इजराइल इन रिटेलिएशन लेकिन अब समझना ये भी है कि इन रिटेलिएशन लिखा है रिटेलिएशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई कि उन्होंने जो वहां पे बोला था क्या कहते हैं मतलब एक काउंटर अटैक में उन्होंने किया काउंटर अटैक का मतलब क्या होगा कि किसी ने पहले किया हुआ था तो और किसी ने क्या वो इस कॉन्टेक्ट से निकल के आएगा इसराइल से तो ये थोड़ा सा एक तरह से मतलब कौन डिबेटेबल फंस जाएगा गलत ये भी नहीं है बट ये मानते हुए कि भाई वहां पे मैंशन नहीं है सेकेंड भले रिटेलिएशन लिखा है और इसराइल लिखा है तो फिर नन ऑफ द अबॉ भी गलत वहां पे नहीं होगा एक पॉइंट ये है यहाँ पे एक ये लगाया जाएगा कि यहाँ पे एक और पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे इसराइल वाली भी बात की गई है और एक पॉइंट हो गया कि जब रिटालियशन लिखा हुआ है तो रिटालियशन क्वेश्चन में मेंशन है तो वो के सेंस में सी रहेगा तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि सी सही है ई e सही है या कौन सा सही है क्योंकि तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती मेरी थी थोड़ा और अगर मैं इलाबरेट करके वहां ऑप्शन रखता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता है ठीक है तो सी जिन्होंने लगाया मैं उनको भी अभी पॉइंट दे दूंगा और जिन्होंने ई e नन ऑफ द वो लगाया उनको भी पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है कहीं गलती थोड़ी सी मेरी थी बाकी अगर हम बात करें तो ऐसे केस में ओके डेंट गेट योर ओके फाइन सो so, अगर देखा जाए वहां पे नेक्स्ट जो है वो राइट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन अमंग एससीज ये आपको लिखना है जो भी आपका ओपिनियन है जो अभी ये जो वर्डिक्ट आया है उसके तहत 200 सौ वर्ड में लिखने की इसको कोशिश करना ठीक है बाकी इतनी चीजें आज हमने जानी प्लुरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे होता है कैसे नहीं होता बिटवीन अमंग एमेंडमेंट डिफरेंस क्या होता है न्यूज में ग्रामेटिकल एयर हो सकती है नहीं हो सकती वॉज दैट टेक प्रिपोर्शन इन टू आर इम्पोर्टेंट फिक्स प्रिपोरेशन आज इन वेरियस एग्जाम्स इतनी चीज़ें आज डिस्कस हुई आई होप सो सेशन आपके लिए काम का था बाकी आपको जैसे बताया उस तरह से ग्यारह बजे एक तारीख मतलब कल पहुँचो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ सो so दैट आपके बेनिफिट में आपके हित में काम हो सके ठीक है आज के लिए इतना ही सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए अगर अभी तक बैंकिंग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक में आपको लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और मैं जाने से पहले यार मैच शायद वो भूल गया तो मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार देख लो बैंकिंग का बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए एक चैनल है टेक्स बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए वो आपको मिल जाएगा टेक्स बैंकिंग ये इसकी लिंक है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है तो आप वहां से बिल्कुल उठा सकते हैं बाकी अगर हम बात करें तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का वहां पर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको चार पांच ही सेशन अभी स्टार्टिंग में वो आपको मिल जाए एंड ऑफ द मंथ सेल अभी भी जारी है ईयरली टेक्स पास के तहत तो ऐसे कि इसमें 100 प्लस कोर्सेज उसमें आता है 6500 प्लस टेस्ट आएंगे टू नाइन में केवल मिल रहा है लास्ट डे है आज सेल का उसका भरपूर फायदा उठा गाना प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इसमें मिलेगा तो गाना सुनते सुनते एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है तो ये आपका आ, काम रहेगा बाकी अगर हम देखें ओके सो नेक्स्ट इज एस बी आई पी एंड आई बी लाइव कोचिंग अंडर सेलेक्ट कैटेगरी आती है प्रिलिम्स और मेंस का जो है इसमें कवर पूरा हो जाएगा ट मीस टू फोर्टी फाइव प्लस लाइव क्लासेस के साथ आता हजार फैसिलिटी है एक्जाम क्वालिफाइड को यही फैसिलिटी आपको आर आरबी के लाइविंग में भी मिलती है एग्जाम क्वालिफाइड कोच मतलब एक ऐसा कोच है जो आपको पर्सनली असाइन हो जाएगा जो आपके प्रॉब्लम को समझेगा और आपके प्रॉब्लम का निवारण करेगा और फिर भी नहीं कर पाए तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाएगा आपका सो so दैट आपका इजिली वो कम्युनिकेशन बना रहे और आपका बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए तो आप इस

एनरोलमेंट okay, क्लोजिंग मतलब तो तो अच्छा, तो अभी तो बहुत भयंकर वाला डिस्काउंट आपको मिल रहा है ठीक है लास्ट चांस है उसका पूरा फायदा और ये वीडियो फटाफट देख लें वन पास फॉर हंड्रेड प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे सौ से भी ज्यादा कोर्सेज थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस मॉक टेस्ट 500 से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ वन फोर्टी में सो so... फाइन सो ठीक है शिराज अटेंडेड फर्स्ट सेशन वॉज वर्थ वॉचिंग थैंक यू एवरी वन बाकी सेशन को शेयर करो और रोज यहाँ पे आया करो अपने इस सेशन को देख के अपने इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करने के लिए ठीक है बाकी फटाफट पहुंचो उस वाले बैंकिंग चैनल पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन के साथ पुष्पक सर रेडी है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सेशन को शेयर जरूर करें बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग